देखते हैं जब तक कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तब तक हम लेकर आते हैं पतंग, क्योंकि हमारे पतंग वगैरह कुछ नहीं है। तो भाई हम लोग यहाँ आ गए पतंगे लेने चोड़िया बाज़ार पान मंडी के बैक साइड पे, और अभी हम अपनी पसंद की अच्छी अच्छी पतंगे और मांझी लेंगे। पतंगें आ गई हैं हमारी, ये सारी पतंगें लेके आ गए हैं आज के लिए। हम आज जोड़ाएंगे जिसमें ये लाहौरी है, कुछ गुड्डे हैं, और ये हमारे मांझे की चरखी है, और एक सद्दी की चरखी है। सारा सामान आ चुका है, सबसे पहले उड़ाएंगे ब्लैक वाले। अब गई हवा में, अब हल्की हल्की ढील दो, और ये पतंग कट गई है, किसी की कट्टी भी जा रही आएगी बहुत दूर, उसका कुछ पता नहीं है। ये भोपाल जाएगी, भोपाल करने वाले भोपाल। अभी हम जाएंगे वो रेड वाली छोड़ाने लड़ाने। पट्टू किस्म के लोग आते ही नहीं लड़ाने, इतनी देर से मैं इसको बोल रहा हूँ, यहाँ आ ही नहीं रहा। हमने इसकी वहाँ जाके काट के आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात दूसरा शिकार देखते हैं किसकी बात। तो भाई पतंगबाजी के टाइम चाय और कुछ खाने पीने को ना मिले ना तो मज़ा नहीं आता। तुम ठीक है समरिया? मैंने जो है चाय मंगा ली है, घर पे बोल के चाय आएगी। काफ़ी पतंग उड़ा ली है मेरे साथ बॉयज ने, सीन ऐसा करा आपको पता है कि सब ने अपनी अपनी बारी ली, अपने अपनी बारी ली और शॉट होगा यहाँ से, और मैं जो हूँ अकेला रह गया हूँ यहाँ पे। मुझे अब ये चरखियाँ भी संभालनी है कि और खेल लेनी होती है और लपेटनी भी होती है, मैं अकेला रह गया हूँ तो मुझे मसला हो रहा है पतंग उड़ाने में। बाकी ये है कि काफ़ी सारी पतंगें हमने काट दी हैं, अभी देखते हैं और क्या सीन होता है। आज हवा इतनी तेज़ है जिसकी वजह से पतंग कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। मांझा आपको पता है थोड़ा सा तेज़ होता है, जिसकी वजह से ये देखो हाथ भी कट गया मेरा। स्टॉक करना है तो ये सब तो होगा ना,
ये चीले देख रहे हैं आप लोग, बताइए क्या है? नहीं। जिन लोगों को पतंग उड़ाना दूसरों की पसंद नहीं है वो क्या करते हैं, थोड़ा सा गोश्त वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है, आना शुरू कर देते हैं, छत पे फेंकते हैं, और उसके बाद फिर चीले इतनी आ जाती हैं कि आपकी पतंगबाजी तो फिर गई, नहीं उड़ा सकते आप। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो बेवकूफ को ये नहीं पता कि ये चीले सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आती हैं, ठीक है, थोड़ा गोश्त खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर ये स्टार्ट है दोबारा, हमारी पतंगबाजी कौन रुक सकता है। तो भाई साहब बराबर वालों की छत पे पतंग आई है, पता नहीं किसकी, थोड़ी सी छपरी चाली कर लेते हैं, वैसे जाना अच्छी बात नहीं है किसी की छत पे, तो उसको छोड़ ही देते हैं। खैर पहले तो मैं सोच रहा था छोड़ दूं, लेकिन मैंने सोचा महंगाई बहुत है जाके लेकर आते हैं, ले आया मैं। कैसा लगा मेरा मजाक? हाल देखें इसका क्या हो गया, इसको इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए, इसको फाड़ दिया जाए तो बेहतर है। बहुत प्यारी सी परी है और एक गुड्डा है, ये परी जा चुकी है, कट गई परी है, परी ने तो अल्लाह हाफिज़ कर दिया, ये तो कट गई। आ गई, चाय पीते हैं उसके बाद ये लो से लड़ाएंगे हम, पेशा चाय को पहले रख देते हैं, इससे लड़ा लेते हैं। लेकिन हुआ ये है कि हमारी पतंग फट गई है, इस पेच के ऊपर फाइट के ऊपर भी हम जीत गए। खैर अभी ड्यूटी देनी पड़ेगी, सारा सामान इसको लपेटना पड़ेगा, अकेला हूँ मैं, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है, सब भाग गए हैं और ये हाथ भी मेरे कट गए हैं। येलो से लड़ा लिया, जीते हम लोग, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्लॉग में मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।